student of class 4. I will be taking your English subject. Okay. Today we are going to start with chapter 1. The chapter name is Wise Owl. Okay. Now continue karte. Theek hai. Hakka and Pakka, the twin jackals, were eating some juicy berries. Suddenly they saw Moor, the peacock, running down the path. The poor bird looked frightened. हक्का और पक्का जो हैं वो क्या है, ट्वाइन जैकल है, मतलब जुड़वा जैकल्स हैं, और वो लोग क्या कर रहे थे, जूसी बेरीज खा रहे थे. ठीक है, उसने अचानक क्या हुआ कि वो क्या देखते हैं, मोर देखते हैं, आई मीन पिकॉक देखते हैं, क्या है, रनिंग डाउन मतलब आ रहे थे, दौड़ते हुए आ रहे थे. जो पुअर बर्ड थे, आई मीन जो पिकॉक थे, वो क्या थे, बहुत ही डरे हुए थे, सहमे से हुए थे. ठीक है. What's wrong, मोर भाई, हक्का asked. हक्का क्या पूछता है, क्या हुआ मोर भाई. We are in great trouble, हक्का क्या पूछता है, क्या हम लोग कोई मुसीबत में हैं. The humans, they are hunting us. They want our feathers. They want to make fun out of them, मोर son. मोर क्या बोलते हैं कि शिकारी आ रहे हैं, क्या करने, शिकार करने के लिए, ह्यूमंस जो हैं शिकार करने के लिए आ रहे हैं, और उन्हें क्या चाहिए, फेदर्स चाहिए. क्या चाहिए, फेदर्स चाहिए. ओके. देयर वॉज द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स एंड वॉइसेस, ह्यूमंस कमिंग इन दिस डायरेक्शन. मोर टुक ऑफ, ही फ्लू अप टू अ हाई ब्रांच एंड हिड हिमसेल्फ देयर. हक्का एंड पक्का डिवेड इनटू अ बुश, मैं फिर से पढ़ देती हूँ, ठीक है, क्योंकि दिखा नहीं था. ठीक है. देयर वॉज द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स एंड वॉइसेस, ह्यूमंस कमिंग इन दिस डायरेक्शन. मोर टुक ऑफ, ही फ्लू अप टू अ हाई ब्रांच एंड हिड हिमसेल्फ देयर. हक्का एंड पक्का डिवेड इनटू अ बुश. क्या बोल रहा है, देयर वॉज द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स एंड वॉइसेस, क्या होता है, वहाँ पे आवाज़ आने लगे पैरों के, और कुछ बोलने के आवाज़ आने लगे. किसके आवाज़ थे, ये ह्यूमंस के आवाज़ थे. कमिंग इन दिस डायरेक्शन, क्या हो रहे थे, इसी डायरेक्शन में उन लोग आ रहे थे. कौन आ रहे थे, ह्यूमंस आ रहे थे. ठीक है. मोर जो है वो हाई फ्लू अप, मतलब ऊपर हाई ब्रांचेस पे वो चले जाते हैं, और अपने आप को वो ढक लेते हैं, मतलब छुपा लेते हैं. ठीक है. और हक्का और पक्का क्या होते हैं, वो बूसेस के अंदर ही वो छिप जाते हैं. ठीक है. सम टफ लुकिंग मैन अपीयर्ड. दे हेल्ड पिकॉक फेदर्स इन देयर हैंड्स. दे लुक्ड अराउंड फॉर मोर. दैट सिली बर्ड केम दिस वे, शाउटेड वन ऑफ द मैन. दे सर्च्ड एवरीवेयर बट मोर वॉज well hidden. After a while they gave up and left the forest. क्या होता है, कुछ देर के बाद आदमी दिखाई देने लगते हैं, थोड़े अजनबी, मतलब अजीब से थोड़े से दिखाई देने लगते हैं. ठीक है. दे हेल्ड पिकॉक फेदर्स इन देयर हैंड्स. उनके हाथों में क्या होते हैं, पिकॉक के फेदर्स होते हैं, मीन्स मोर के पंख होते हैं. ठीक है. उन लोग क्या करते हैं, जो ह्यूमंस जो आते हैं वो किसको खोजने लगते हैं, चारों ओर मोर को खोजने लगते हैं, खोजते हैं. ठीक है. डेसली बर्ड केम दिस वे, वो लोग बोलते हैं चलो इधर होंगे, मतलब या फिर इधर उधर होंगे, उन लोग एक दूसरे को बताते हैं. ठीक है. दे सर्च एवरीवेयर, उन लोग सभी जगह को ढूंढे. ठीक है. मोर को सभी जगह ढूंढे, बट मोर क्या था, ऑलरेडी वो मोर क्या था, छिप चुका था ना, तो मोर उसे मिला नहीं. आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद, दे गेव अप, वो हार मान जाते हैं, और लेफ्ट द फॉरेस्ट, और वो चले जाते हैं. ठीक है. फॉरेस्ट से चले जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, हक्का एंड पक्का केम आउट ऑफ द बुश. हक्का और पक्का क्या है, बुश से निकलते हैं. ठीक है. बाहर आते हैं. मोर केम डाउन फ्रॉम द ट्री. मोर जो है ट्री से नीचे आते हैं. ठीक है. दे बिगन टू थिंक, लेट आस्क उल्लू जी फॉर एडवाइस. पक्का सजेस्टेड.
पक्का जो था सजेस्ट करता है कि हम लोगों को उल्लू से एडवाइस लेना चाहिए कि हम लोग क्या करें। ठीक है, उल्लू जी केम आउट ऑफ हिज होल इन द जामुन ट्री। द ट्रीज फ्रेंड, सॉरी, उल्लू जो है वो क्या होते हैं, जामुन के पेड़ से निकलते हैं। वो जामुन के पेड़ के अंदर क्या था, एक होल था, उसके अंदर से वो निकलते हैं। कौन? उल्लू जी। द थ्री फ्रेंड्स टोल्ड हिम ऑफ द प्रॉब्लम। तीनों फ्रेंड क्या है, वो प्रॉब्लम अपना शेयर करते हैं, बताते हैं। उल्लू जी सेड परफेक्टली स्टिल फॉर अबाउट 10 मिनट्स। डू यू थिंक ही इज फॉलन असलीप, विस्पर्ड हक्का टू पक्का। क्या होता है, उल्लू जी जो है वो 10 मिनट के लिए सोचने लगते हैं। ठीक है, तो हक्का और पक्का जो है वो धीरे धीरे बोलते हैं, क्या उल्लू जी सो गए हैं? ठीक है, उल्लू जी सेड पक्का बोलता है चुप। उल्लू जी इज़ वेरी वाइस उल। उल्लू जी क्या है, बहुत ही वाइस उल्लू है, आउल है। ठीक है, उल्लू जी ओपेंड हिज आइज। उल्लू जी क्या करते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं। शुक आउट हिज फैदर, अपना पंख को हिलाते हैं। एंड लुक डाउन एट द थ्री फ्रेंड, और वो तीनों दोस्तों को देखते हैं। ठीक है, ही हूटेड 3 times, वो 3 बार हूट करते हैं। ठीक है, ब्लिंक ट्वाइस, 2 बार जब आँख को पलक जो होते हैं वो झपकाते हैं। एंड सेड, और कहते हैं, आई वॉन्ट हु दी हुल ब्रिंग हेम हेयर। क्या बोलते हैं, मुझे कौन चाहिए, हु चाहिए। ठीक है, वो कौन लेके आएगा, हुल्फ लेके आएगा ब्रिंग। ठीक है, उल्लू जी प्लान वॉज वेरी क्लेवर इंडीड। उल्लू जी का प्लान बहुत ही क्या होता था, चलाक होता था और अच्छा होता था। ठीक है, बट हु रिफ्यूज टू द ड्रेस हिमसेल्फ इन अ पिकॉक वेदर। हु जो था वो इनकार कर देता है कि हम पिकॉक का फैदर नहीं पहनेंगे। ठीक है, द अदर होल विल मेक फन ऑफ हिम, वो बोलता है, वो जो था वो उल्फ था। ठीक है, उल्लू जो बोलते हैं कि तुम क्या करो, फैदर पिकॉक का पंख को पहनो। ठीक है, बट वो जो था वो क्या कर देता है, सख्त इनकार कर देता है कि मैं नहीं पहनूंगा, क्योंकि दूसरा उल्फ जो है मेरा मजाक बनाएंगे। ठीक है, एट लास्ट वो एग्रीड। एट लास्ट में क्या होता है, वो एग्रीड हो जाते हैं। ठीक है, 4 more wolves हिज फ्रेंड ऑल्सो एग्रीड टू हेल्प। 4 more wolves और उनके दोस्त भी क्या हो जाते हैं, एग्रीड हो जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। ठीक है, द नेक्स्ट डे द सन सून। नेक्स्ट डे क्या होते हैं, सन सूरज जैसे नॉर्मल नेक्स्ट डे आते हैं। ठीक है, दिस सम टफ लुकिंग मैन एंटर द फॉरेस्ट टू कलेक्ट पिकॉक फेदर्स। ओके, सेम जो टफ लुकिंग मैन था वो फॉरेस्ट में आते हैं किसके लिए, पिकॉक के फेदर को कलेक्ट करने के लिए। ओके, दे सॉ 5 large हेल्दी पिकॉक्स फीडिंग ऑन द बेरीज। व्हाट लक, उन लोगों क्या देखते हैं कि 5 large हेल्दी पिकॉक जो हैं वो क्या खा कर रहे हैं, बेरीज खा रहे हैं। ठीक है, बट वो कौन थे, उल्फ थे। क्वाइटली दे क्रॉल टूवर्ड देम। क्वाइटली धीरे धीरे वो लोग क्या करने लगे, उनके तरफ बढ़ने लगे। वेन दे वेयर क्लोज इनफ, जैसे ही उन लोग उनके क्लोज हुए, दे जम्प्ड ऑन देम, वो क्या हो गया, जम्प्ड हो गया, मतलब उनके ऊपर कूद गया। कौन? उल्फ। ओ माई गुडनेस, द पिकॉक टर्न राउंड स्नरलिंग एंड क्रॉलिंग, दे अटैक द मैन, द पॉचर रैन फॉर देयर। लोग क्या बोलते हैं, वो क्या हो जाते हैं, जो थे वो लोग जो भी पिकॉक के ड्रेस में थे, वो लोग क्या हो जाते हैं, अटैक कर जाते हैं किस पर, वोमेंस पर, सॉरी वोमेंस बोल रहे हैं, ह्यूमेंस पे। ठीक है, एंड दी अटैक द मैन, अटैक उसके बाद क्या हो जाते हैं, शिकारी जो होते हैं वो वापस चले जाते हैं। ठीक है, दिस स्टोरी वेंट अराउंड द विलेजेस।
स्टोरी जो है, ये स्टोरी चारों ओर चार सुंदर सभी गांवों में फैल जाते हैं, ठीक है, चारों ओर गांव में फैल जाते हैं। द पीकॉक इन द फॉरेस्ट हैड शार्प टीथ, दे वेयर एज प्राइस एज वुल्फ्स। क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते थे, क्या होता था, मतलब बात क्या फैली थी कि फॉरेस्ट में जो पीकॉक हैं उनके दांत बहुत ही शार्प हैं, वो एकदम उल्फ की तरह हैं, ठीक है। हू एंड हिज फ्रेंड लाफ्ड एंड लाफ, हू और उसके दोस्त क्या हो गए, लाफ फॉर लाफ, हंसने लगे, ठीक है। एंड मोर ही लुक्ड एज प्राउड एज पीकॉक, और मोर जो हैं वो अपने आप पे जो हैं प्राउड फील करने लगे, ठीक है। He started, he fanned out of his feather, he danced. वो क्या हो गए थे, बहुत खुश हो गए थे, वो अपने आप पे ही खुश हो गए थे और वो डांस करने लगे, कौन, मोर। द पीकॉक वेयर सेफ, पीकॉक क्या हो गए, सेफ हो गए, ठीक है। तो इस चैप्टर से हम लोग क्या सीखे, देख लिए कि दोस्त ने क्या किया, हेल्प किया, दोस्त लोग ने हेल्प किया और मोर को बचा लिया, है ना। तो हम लोग कंटिन्यू कर, अब आज के लिए इतना ही, अब हम लोग सेकेंड डे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो आप लोगों का चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग अब नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे सेकेंड चैप्टर से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।